محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد يا خلاص دبي انا صلاة درود بھیجیں آپ حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, जैसे तू है गुलाम जहरा का, लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, सिर्फ शौहर ही पे नहीं मौकूफ, सारा घर है इमाम जहरा का, लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, मुश्किलें पल में टाल देता है, मुश्किलें पल में टाल देता है, इसमें आजम है नाम जहरा का, इसमें आजम है नाम जहरा का, लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, घर में जब से जफर है जिक्र हुसैन, दुरूद भेजें आप हज़रात, घर में जब से जफर है जिक्र हुसैन, मुस्तकिल है कयाम जहरा का, मुस्तकिल है कयाम जहरा का, लिख कलम ऐसे नाम जहरा का, दुरूद भेजें आप हजरात मोहम्मद, एक इससे बेहतर दुरूद भेजें, फातिहा। लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन, जहाँ बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, दी सदा
लाशे पिसारान के ले जा बानो अरे छिद गया बरसी से अकबर का कलेजा बानो शेख के कांधे पाजो अदेखा अली अकबर को निढाल हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया आबाद शाह नेक खिसाल रासाया मेरे बच्चे को ना ठारवा साल टुकड़े तेगो से बदल हो गया सारा मारा है रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवरे दी सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे जबी सांस आती है पहर दम है दमे बाज पसी अरे कुछ इनका भी है और हम भी हैं मरने के करी सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो अरे इस जवा बेटे के गमले हमें मारा बानो लाश अकबर की जो सूरह फातिहा की तिलावत करके इन तमाम मोमिनीन मरहूमीन की अरवाह को इसाले सवाब कर दें। जनाब आफ्ताब हुसैन नकवी साहब, जनाब सरवर हादी साहब, जनाब सैयद विकार हुसैन रिजवी साहब, वालदैन मोहम्मद रज़ा मीसम भाई, जनाब हुसैन मेहंदी साहब, जनाब जाहिद हुसैन उर्फ भैया जानी और डॉक्टर हसन रज़ा साहब उर्फ डॉक्टर कल्लम साहब, रज़िया सुल्ताना बिनत इरशाद हुसैन, अंजुम इरशाद मरहुमा बिनत हसन इरशाद नकवी, जियो रानी साहिबा मरहुमा बिनते जमशेद मिर्ज़ा, एजाद अब्बास शन्ने भाई, मौलाना इल्मुल हसन साहब, अहलिया मौलाना आगा रूही साहब, फिदा हुसैन साहब, रज़ा हुसैन साहब, अहमद आगा साहब, किफ़ायत साहब, ये मोमिनीन बंगलौर के हैं जो इंतकाल कर गए हैं, और लतीफ़ा मरहुमा बिनते अब्बास मंदल, रोशन अली पुंजानी, वालदे जावेद आबदी अशफुलनिसा मरहुमा, जनाब औलाद अली काजमी साहब मरहूम, अहलिया मौसवी साहब और आकला मरहुमा बिनते नसीर अहमद ख़ान और मोनिस रज़ा मरहूम वालदे जनाब आबिर रज़ा साहब, शमीम रज़ा मरहूम इब्ने हाशिम साहब और जिना रज़ा नकवी, वालदे अर्शी रज़ा साहब और हमारे वालदैन हसन इरशाद इब्ने इरशाद हुसैन और क़ानून साहब बिनते नज़ीर हुसैन और हैदर इरशाद साहब और उनकी अहलिया तनवीर फ़ातिमा मरहुमा और कुल मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से जा चुके हैं उनको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम।
फातिहा। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا غانا قد يا المستقيم صراط المستقيم صراط الذين اعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين अस्सलात व सलाम अला सैयदना व नबीना व शफीना व तबीब कुलूबना व मौलाना व मुक्तदाना बिल कासिम मोहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا لا يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد تركناها آية فهل من مدكر صلوات بھیجے محمد हज़रत अज़ादारान सरकार सैयद शुहदा और सोगवारान हज़रत असीरान करबला बतुफ़ैल जहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतसद्दुख़े मासूम आलम हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलाम हुसैनी अकादमी के ज़ेर अहतमाम ये ख़म्सा मजालिस जो मुसलसल कई बरसों से रोज़े काजमैन के सब्ज़ार पर मुनक़िद होता था, इन साल हालात की बिना के ऊपर ऑनलाइन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, ऑनलाइन नश्र किया जा रहा है। और इसके लिए ग्राफ एजेंसी यूट्यूब चैनल, हुसैनी चैनल, खतीजा टीवी, अली सीडी, i12 के वो चैनल्स जो इसको नश्र कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और बहुत से चैनल्स हैं, पंजतन यूट्यूब चैनल, शहीदी ऑफिशियल, गौहर एजेंसी, अली चैनल और इसके अलावा भी बहुत से चैनल्स हैं जिन्होंने रابطہ किया था, मगर वक्त की कमी और जगह की तंगी की वजह से उनसे माजरत की जाती है। इस खिदमत का मालिक कौनैन मासूम आलम सलाम अलैहा उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाएंगे। एक सलावात और पढ़ दे मोहम्मद वाले। अरे हैदरी सलवा। बहरहाल ज़ैनी अकादमी के तमाम अराकीन, खुसूसन हमारे जनाब ज़ीशान अब्बास नकवी साहब की जानिब से उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जा रहा है जिन्होंने किसी भी सूरत से इस हुसैनी अकादमी के खमसे में ताउन किया है, उनको भी शहज़ादी अजर देंगी। मैं मुसलसल आपके सामने सबब अज़ाब और ज़रिए नजात के उन्वान से जो गुफ्तगु करता चला आ रहा हूँ, आज उसका आखिरी मरहला है। और मैंने रोज़ाना क़ुरान मजीद के सूरह कमर की एक आयत को तिलावत किया, जिस आयत में अल्लाह ने अज़ाब और इताब के ज़िक्र को नसीहत का ज़रिया करार दिया है। रोज़ाना मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह कमर में अल्लाह ने जनाब नूह के दौर के अज़ाब का ज़िक्र किया और फिर इसी सूरह में कौम समूद के अज़ाब का ज़िक्र किया। और सूरह कमर से हट के पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अज़ाबों का ज़िक्र व इताबों का तस्किरा हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि इंसान अल्लाह की नेमात के साथ साथ अल्लाह की जानिब से नाजिल किए हुए अज़ाबों को भी याद रखे और गुनाहों से तौबा करे और हराम से अपने दामन को बचाए और वो अस्बाब और वो वजूहात जिनकी वजह से अज़ाब नाजिल होता है उनको समझने की कोशिश करे। और अज़ीज़ान गिरामी, जिन कौमों के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब का ज़िक्र किया तो बहुत तफसील के साथ वो अज़ाब भी बयान किए गए जो उन कौमों पर जो माजी में गुजरी उन पर नाजिल किए गए।
और अजाबों की किस्मों के साथ साथ अजाबों की वजूहात भी बयान की गई। कभी कुरान जनाब नूह की कौम पर अजाब का जिक्र कर रहा है, कभी कौम शुएब पर अजाब का तस्किरा हो रहा है, कभी कौम समूद पर अजाब का जिक्र हो रहा है, कभी कौम लूत पर अजाब का जिक्र हो रहा है, कभी कौम आद पर अजाब का जिक्र हो रहा है, कभी फिरौन और नमरूद और शद्दाद पर अजाब का जिक्र हो रहा है। ये जितना भी कुरान में अजाब का तस्किरा है ये नसीहत के लिए है, और नसीहत के साथ साथ इसलिए भी है कि इंसान समझे कि आखिर अल्लाह की जानिब से अजाब क्यों आता है। अजीज़ों, बस बहुत ज़्यादा आज नहीं अर्ज़ करना, इसलिए कि मसाइब को भी वक्त देना है। आप बहुत सुन चुके, ये ख़ास बात है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि जितने भी अल्लाह के अजाब नाजिल हुए और अजाब नाजिल होने की जितनी भी वजूहात और जितने भी असबाब हैं उसमें एक सबब कामन है। भाई वो कोई कौम हो जिस पर अजाब नाजिल हुआ तो मुख्तलिफ असबाब के साथ साथ एक कामन वजह है, एक कामन सबब है जिससे हर कौम के ऊपर अजाब नाजिल हुआ, और वो सबब है इंकार आयात। और जो सुनिएगा भाई, कुरान पढ़ने वाले इस बात की तस्दीक देंगे, इंकार आयात। जितनी भी कौमें गुजरी आप कुरान पढ़िए तो उन पे अजाब के असबाब में एक सबब ये नज़र आता है कि कुरान बार बार कह रहा है कि इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया, अल्लाह की आयात का इनकार किया। तो अज़ाने गिरामी, ये जो कौम नूह पर और कौम समूद पर और कौम शुएब पर और कौम लूत पर और कौम आद पर और कौम हूद पर अजाब का जिक्र हो रहा है और फिर ऐलान हो रहा है कि इन्होंने आयतों का इनकार किया, बहुत समझने की बात है। तो वो कौन सी आयात थी जिनका इनकार करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ? तो देखिए, वो कुरान की आयात नहीं हैं जो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं और वन्नास पर तमाम हो जाती हैं, वो 114 सूरों वाली आयात नहीं हैं। इसलिए कि कुरान तो आखिरी पैगंबर लेके तशरीफ़ लाए, ये जिन कौमों पर अजाब नाजिल हुआ इनके दौर में कुरान का वजूद ही नहीं था, इनके ज़माने में कुरान की आयात ही नहीं थी। तो ये कौन सी आयात हैं जिनका इनकार करने की वजह से अजाब नाजिल हुआ? भाई जनाब नूह की कौम पर अजाब नाजिल हुआ तो आयत का इनकार किया, तो जनाब नूह के दौर में कुरान तो कुरान है, तौरात भी नहीं थी, इंजील भी नहीं थी, जबूर भी नहीं थी, ये किन आयतों का इनकार किया? सलावात भेजो, बहुत समझने की बात है। देखिए, वो कौन सी आयतें थी जिनका इनकार किया गया? भाई कुरान तो पैगंबर लेके आए, कुरान की आयात तो पैगंबर इस्लाम के ज़रिए मुसलमानों तक पहुंची। जनाब नूह के दौर में जो उनकी कौम ने आयत का इनकार किया तो वो कौन सी आयत थी? तो सूरह कमर की जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, इस आयत में उस आयत का पता बताया जा रहा है। तो जो माने आप, इस आयत में उस आयत का पता बताया जा रहा है जिसका इनकार हुआ। ऐलान हो रहा है, वह तरक ना आयतन, के हमने आयत को निशानी बनाया है, वो आयत जिसका कौम नूह ने इनकार किया था। अब वो कौन सी आयत है जिसको अल्लाह ने निशानी बनाया? तो उलमा ने लिखा कि वह तरक नाहा आयतन से मुराद खुद कश्ती नजात है, यानी कश्ती नजात को अल्लाह ने आयत कहा है। तो जो हमारे यहाँ पूरी तवज्जो फरमाइएगा, ये जो कश्ती नजात जनाब नूह ने बनाई थी, इस कश्ती नजात को अल्लाह आयत कह रहा है। अब कुरान कश्ती नजात को आयत कह रहा है और कुरान लाने वाला अहले बैत को कश्ती नजात कह रहा है। समझिएगा इस बात को, बहुत समझने की बात है, बहुत एक खास बात तक पहुंचाना है आपको। भाई कुरान कश्ती नजात को आयत कह रहा है और पैगंबर इस्लाम अहले बैत को कश्ती नजात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कश्ती नजात भी आयत है और अहले बैत भी आयत है। बहुत हवाल है आप, उसका इनकार भी आयत का इनकार है, इनका इनकार भी। सलावात भेजो अहमद, बहुत खास बात। अल्लाह मैं बहुत वजनी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, कश्ती नजात को भी वह तरकना है आयतन, कि हमने उसको निशानी बनाया, आयत बनाया। वो अहले बैत कौन है? अहले बैत भी कश्ती नजात है, कश्ती नजात भी आयत है, अहले बैत भी आयत है। अब देखिए कुरान की बलागत देखिए, कुरान ने कश्ती नजात को आयत यूं ही नहीं कह दिया। कश्ती नजात वो थी
जो पानी में तैर रही थी, कश्ती नजात पानी में चली है, और पानी का ताल्लुक तहारत से होता है। पानी का ताल्लुक तहारत से होता है, तो कश्ती नजात आयत है, उसका ताल्लुक भी तहारत से है। अहले बैत कश्ती नजात हैं, हमारे अब समझ में आया कि इनके लिए आयत तथीर क्यों नाजिल की गई। भाई आयत तथीर का आना बता रहा है कि ये कश्ती नजात हैं। सलावात भेजो मोहम्मद वाले। तो अब जैसे कश्ती नजात आए थे, अहले बैत भी कश्ती नजात है, वो भी आए थे, उनका इनकार भी सबब अजाब है। कश्ती नजात का इनकार भी पूरी तवज्जो फरमाइएगा सबब अजाब है। अब इनकार का मतलब क्या है, देखिए ये बहुत ख़ास बात है। भाई कश्ती नजात का इनकार भी सबब अजाब है, अहले बैत कश्ती नजात हैं, अहले बैत का इनकार भी सबब नजात है। अब ये इनकार अहले बैत कहते किसे हैं, अहले बैत का इनकार करना कहते किसे हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप मिल्लत मुस्लिमा के किसी भी फ़िरके के आदमी से बात करें तो ज़ाहिर ज़ाहिर कोई अहले बैत का इनकार नहीं करता। भाई आप किसी मुसलमान से पूछिए, मौला अली को नबी का भाई सब मानते हैं, जनाब सैयदा को नबी की बेटी सब मानते हैं, मौला हसन मौला हुसैन को नबी के नवासे सब मानते हैं, तो अहले बैत का इनकार कोई नहीं करता। तो अहले बैत का इनकार कहेंगे किसे, तो भाई कश्ती नजात का इनकार आयत का इनकार है। अब कौम नूह ने उस आयत का इनकार कैसे किया, तो देखिए ऐसे किया, बहुत समझने की बात है और बहुत कीमती बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो कश्ती नजात का कौम नूह ने इनकार किया, तो वो इनकार कैसे किया, भाई अल्लाह ने जनाब नूह से कहा हमारी कश्ती बनाओ, तो कश्ती नजात बंद मकान में नहीं बनी, खुले मैदान में बनी। बहुत खास बात है, कश्ती नजात बंद मकान में नहीं बनी, खुले हुए मैदान में बनी। है पहचान है कि कश्ती नजात बंद मकानों में नहीं मिलती है, खुले हुए मैदानों में मिलती है। तो जो हमारे अब जनाब नू कश्ती नजात बना रहे हैं, और उस कश्ती नजात को बनते हुए सब देख रहे हैं, उस बेटे ने भी देखा जो पहाड़ पर चढ़ गया, उस बीवी ने भी देखा जो गर्क हो गई, तो उन्होंने इनकार किया, तो क्या इनकार किया। भाई नूह के बेटे ने कश्ती नजात का इनकार किया, तो कैसे इनकार किया, बीवी ने इनकार किया तो कैसे इनकार किया, तो इनकार ये नहीं किया कि यह कश्ती ही नहीं है। भाई क्या सुन रहे यार, बहुत समझने की बात है। इनकार ये नहीं किया कि कश्ती ही नहीं है, भाई इनकार ये किया कि ये जरिए हिफाजत नहीं है। इसका मतलब कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया, कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। ये बहुत अहम बात है, कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया, कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। कश्ती का इख्तियार क्या था कि गुनाहगारों को बचाएगी, कश्ती का इनकार क्या था कि अजाब से नजात दिलाएगी। उन्होंने कश्ती के शेप का, कश्ती की शक्ल का, कश्ती के जिस्म का, कश्ती के वजूद का इनकार नहीं किया। क्या सुनाया, उन्होंने कश्ती के इख्तियार का इनकार किया। इसका मतलब असल इनकार ये होता है। अब जैसे कश्ती नजात के वजूद का इनकार नहीं किया, उन्होंने ये इनकार किया कि यह बचा नहीं सकती। तो जो कश्ती नजात के लिए ये कहे कि यह कश्ती बचा नहीं सकती, वो कश्ती का मुनकिर है। जो अहले बैत के लिए यह कहे कि यह बख्शवा नहीं सकते, भाई समझना चाहिए इनकार कहते किसे। भाई नूह के बेटे और नूह की बीवी ने क्या इनकार किया कि जरिए हिफाजत नहीं है। आज लोग इनकार करते हैं कि अहले बैत जरिए शफात नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप, तो जो कश्ती नजात के लिए यह कहे कि जरिए हिफाजत नहीं, वो कश्ती नजात का मुनकिर है। जो अहले बैत के लिए यह कहे कि जरिए शफात नहीं, भाई आज बहस होती है अहले बैत गुनाहगारों को कैसे बचाएंगे, तो कश्ती नजात ने जिनको बचाया वो सब दूध के धुले थे।
बचाया, वो सब बामल थे, वो सब बाकिरदार थे, वो सब दूध के धुले थे। कश्ती नजात ने किसको बचाया? गुनाहगारों को। अरे जब लकड़ी की बनी हुई कश्ती गुनाहगारों को बचा सकती है तो अल्लाह के नूर के बने हुए अहले भाई, सलावात पढ़े मोहम्मद। समझिएगा, अजाब की वजह समझी जाए। आयत का इंकार किया, वो कश्ती नजात थी कि ये बचा नहीं सकती, तो जो अहले बैत के लिए कहे कि साहब ये बख्शवा नहीं सकते, ये कैसे बख्शवाएंगे? अरे कश्ती उन्होंने कैसे बख्शवाया और कैसे कैसों को बख्शवाया? सलावात भेजे मोहम्मद। इसका मतलब सिर्फ वजूद का इंकार इंकार नहीं होता है, इख्तियार का इंकार भी इंकार होता है। इसीलिए शफात वो मरहला है कि शफात के लिए खास ताकीद की गई है। हमारे आपके छठे इमाम इमाम जाफर साहब, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये न जाने कितनी बार और कितनी जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन ज़रूरत के तहत मैं पढ़ रहा हूँ कि छठे इमाम की हदीस है, फरमाए जो तीन बातों का इंकार कर दे लैसा मिन शिया तेना, वो हमारा शिया नहीं है। इमाम ने फरमाया जो तीन बातों का इंकार करे लैसा मिन शिया तेना, वो हमारा शिया नहीं है। पूछने वाले ने पूछा वो तीन बातें कौन है? का जो मेराज का इंकार कर दे, फरमाया वो हमारा शिया नहीं। का जो कब्र के सवाल और जवाब का इंकार कर दे, वो हमारा शिया नहीं। पूछने वाले ने पूछा तीसरी बात, फरमाया जो हमारे इख्तियार शफात का इंकार कर दे, वो हमारा शिया नहीं। फरमाया जो कब्र का मुनकर वो शिया नहीं, जो मेराज का मुनकर वो शिया नहीं, जो शफात का मुनकर वो शिया नहीं। भाई वजह क्या है? मुनकरे मेराज शिया क्यों नहीं रहता? मुनकरे कब्र शिया क्यों नहीं रहता? मुनकरे शफात शिया क्यों नहीं रहता? बातें हैं तीन, सबब है एक। मेराज में है आवाज अली, कब्र में है आमद अली। मेराज में मेराज में है आवाज अली, कब्र में है आमद अली, शफात में है इख्तियार अली। अरे हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। शफात का इंकार इसमें कश्ती नजात का इंकार है। ये बात आपके जहन में रहना चाहिए कि जैसे कश्ती नजात के इंकार का मतलब था कि उसे हिफाजत का जरिया नहीं माना, वैसे अहले बैत के इंकार का मतलब है कि इन्हें शफात का जरिया ना माना जाए। कहता वो कैसे जन्नत ले जाएंगे, वो कैसे जन्नत ले जाएंगे? तो इसमें लोगों ने जन्नत ही को नहीं समझा है। अब कोई नई बातें अर्ज करना है आपकी खिदमत में, अभी तक लोगों ने जन्नत ही को नहीं समझा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मिल्कियत को समझे नहीं है, मालिकों को समझने चले। अभी मिल्कियत को समझे नहीं, मालिकों को समझने चले। भाई जन्नत के उसूल और हैं, जन्नत के कानून और हैं, जन्नत की आबो हवा और है, जन्नत की फिजा और है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। जन्नत वो है कि जहाँ के लिए कुरान कह रहा है ना जन्नत में सूरज है न जन्नत में चाँद है, मगर जन्नत में रोशनी होती है। जन्नत में चाँद नहीं है, जन्नत में सूरज नहीं है। अल्लाह ने जन्नत के लिए सूरज को खल्क नहीं किया, जन्नत के लिए चांद को खल्क नहीं किया, मगर जन्नत में रोशनी रहती है। भाई कुरान गवाही दे रहा है न जन्नत में सूरज है न जन्नत में चांद है। अल्लाह ने जन्नत में चांद सूरज नहीं बनाए, बनाता भी क्यों? जहां आफ्ताब रिसालत जैसा सूरज हो, अरे भाई जुमला देना चाहो, जहाँ आफ्ताब रिसालत जैसा सूरज हो वहाँ सूरज की क्या जरूरत है? जहाँ कमरे बनी हाशिम जैसा अच्छा, क्या जरूरत है? सुनिएगा,
इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा मौला के चाहने वाले सुन रहे। जन्नत में ना चांद है ना सूरज, मगर जन्नत में रोशनी होगी। अब मैं रवायत सुना रहा हूँ कि अहले जन्नत देखेंगे कि एकदम से जन्नत में रोशनी हो जाएगी, तो अहले जन्नत हैरत से फरिश्तों से कहेंगे कि ना सूरज है ना चांद है, ये रोशनी कैसे हो गई। जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम याद रहेगा। अहले जन्नत पूछेंगे ना जन्नत पे सूरज है ना जन्नत पे चांद है। इमाम फरमाते अहले जन्नत पूछेंगे रोशनी कैसी हो गई, तो फरिश्ते कहेंगे कि अभी मौला अली ने सैयदा से कुछ कहा है और वो मुस्कुरा दी हैं। सैयदा के तबस्सुम का नूर हो, सैयदा मुस्कुराएंगी तो माहौल नूरानी हो जाएगा। भाई जुमला देना चाह रहा हूं, सैयदा मुस्कुराएंगी तो माहौल नूरानी हो जाएगा। अब समझे नौ रबीउल अव्वल को इतनी रौनक क्यों आती है। जन्नत की खसूसियात और हैं, जन्नत की खसूसियतें और हैं। भाई मासूम की रवायतें, मैं कोई इल्म का दावा नहीं करता है करता हूँ, लेकिन अगर कोई पूछे कि कहाँ से पढ़ रहा हो तो वो पढ़ाने बताने की सकत रखता हूँ। मैं सारी रवायतें मेरे पास हवालों के साथ मौजूद हैं कि जन्नत में जनाब सैयदात मुस्कुराएंगी तो जन्नत में रोशनी हो जाएगी। जन्नत में खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं होगी, यूँ खाएँगे लोग पियेंगे और जन्नत की नेमात होंगी जिससे फैज़ उठाएंगे। अब किसी ने यह भी पूछा था कि साहब लोग जन्नत में खाएंगे और जन्नत के मेवों का जिक्र है कि जन्नत में नेमात हैं उसे लोग नौश करेंगे, तो खाना खाने के बाद इंसान कुछ हाजतें होती हैं, उन हाजतों का क्या होगा। तो फरमाया हाजतों की जगह अहले जन्नत के जिस्म से खुशबूदार पसीना खारिज हो जाएगा। सलावात भेजो हम भाई, मैं आपको जन्नत की खसूसियात सुना रहा हूँ। फिर जन्नत तो जन्नत, जन्नत के कपड़ों की खसूसियात हैं, जन्नत के लिबास की खसूसियात हैं। चुनांचे जनाब इब्राहिम के लिए रवायतों में मिलता है कि जब वो आतिश नमरूद में गए तो उनके जिस पर जन्नत का कुर्ता था, उस जन्नत के कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। तो जो फरमाइएगा जनाब इब्राहिम के जिस के ऊपर जन्नत का कुर्ता था, उस कुर्ते की वजह से आग गुलजार हो गई। वही कुर्ता जनाब यूसुफ को विरसे में मिला, यूसुफ ने वही पहरहान पहना। जब बाप की आंखों की रोशनी चली गई तो वही कुर्ता भिजवाया, का वो जन्नत का कुर्ता था जिससे आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये जन्नत के लिबास का इख्तियार है, जन्नत के जवानों के सरदारों। अरे भाई जहां के कपड़े की वजह से इब्राहिम महफूज हो जाए, जहाँ के पैराहन की वजह से याकूब की बीनाई वापस आ जाए, अगर वहाँ के जवानों का सरदार फितरुस को बालों पर अदा कर दे तो हैरत की क्या बात। भाई जन्नत की बातें ही अलग हैं, जन्नत का मौसम अलग है, जन्नत के वाकयात अलग हैं। हमारे आपके आखिरी इमाम हजरत हुज्जत अलैहिस्सलाम से एक अरीज़ा लिखा गया था, उसमें उलमा थे जिन्होंने लिखा, उन्होंने कुछ सवालात किए थे जिसमें एक सवाल ये भी किया था कि ये बताइए क्या जन्नत में नस्ल का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। तो इमाम ने फरमाया था नहीं, जन्नत में विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, मियाँ बीवी होंगे मगर विलादतों का सिलसिला नहीं होगा, इसलिए कि विलादतों में कसाफतें होती हैं, नजासतें होती हैं और जन्नत से नजासत का गुज़र नहीं है। इमाम ने फरमाया वहाँ विलादत का सिलसिला नहीं होगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर कोई मोमिन ख्वाहिश करेगा, तो कहा अगर कोई मोमिन जन्नत में चाहेगा
कि उसे एक बेटा मिल जाए, भाई बहुत कीमती बात है। अगर कोई चाहेगा कि उसके कोई बेटा हो जाए तो अल्लाह मोमिन की तमन्ना पर उसे एक बेटा अता करेगा, और बिल्कुल बेटा वैसा ही होगा जैसे आदम थे, बगैर माँ बाप के बेटा अता करेगा। किसकी तमन्ना पर? मोमिनीन की तमन्ना पर, मोमिनीन की तमन्ना पर। अरे जब मोमिनीन की तमन्ना पर ऐसा बेटा होगा तो अमीरुल मोमिनीन, कि आज गुफ्तगू में तमाम करूं तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जन्नत के खाने और हैं, जन्नत के ड्रिंक्स और हैं, जन्नत के बर्तन और हैं, जन्नत के कानून और हैं। जन्नत का एक कानून यह है कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे। भाई बहस यही तो है कि अहले बैत कैसे बख्शवाएंगे, तो जन्नत के लिए कि जन्नत में जानवर नहीं जाएंगे, ना जहन्नम में जानवर जाएंगे और ना जन्नत में जानवर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि जन्नत और जहन्नम जजा और सज़ा की बुनियाद पर है, और जजा और सज़ा आमाल की बुनियाद पर है। भाई सलावात भेजे मोहम्मद, सुनिएगा अज़ान गिरामी, बात तमाम हो रही है। जन्नत और जहन्नम है जजा और सज़ा की बुनियाद पर। जन्नत मिलेगी जजा की वजह से, जहन्नम मिलेगा सज़ा की वजह से, और जजा और सज़ा आमाल की वजह से। नेक अमल हो तो जजा मिले, बुरा अमल हो तो सज़ा मिले। तो जानवर न जहन्नम में जाएंगे न जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि आमाल के दायरे से जानवर बाहर हैं, उन्हें दायरे आमाल में रखा ही नहीं गया है, आमाल उनके लिए है ही नहीं, जजा और सज़ा उनके लिए है ही नहीं, तो ना वो जन्नत में जाएंगे ना वो जहन्नम में जाएंगे। ये है जन्नत का कानून। मगर आठवें इमाम हज़रत अबुल हसन, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तशरी के साथ जो मैंने बयान की, कि जानवर जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन इमाम ने फरमाया तीन जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। इमाम ने फरमाया तीन जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा वो कौन है? का एक असहाब कहफ का कुत्ता है, एक बलम बाऊर का गधा है, एक दौरे जनाब यूसुफ का भेड़िया है। इमाम ने फरमाया है, इसलिए मेंबर से पढ़ रहा हूँ। बहुत से बुकरातान किराम फरमाते हैं कि साहब मेंबर से कुत्ता कहना अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा यजीद कहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यजीद कहना अच्छा लगता है? इमाम ने फरमाया, इमाम ने, क्या असहाब कहफ का कुत्ता जानवर है मगर जन्नत में जाएगा? फरमाया बलम बाऊर का गधा, ये बलम बाऊर एक बनी इसराइल का आलिम था जिसके पास इसम आज़म का इल्म था, और ये जिसके लिए दुआ कर देता था दुआ भी पूरी हो जाती थी, जिसके लिए बद्दुआ कर देता था बद्दुआ भी पूरी हो जाती थी। तो फिरौन ने दौलत दे के इसे अपनी तरफ बुलाया और इससे कहा कि जाओ और मूसा के लिए बद्दुआ करो। तो जब ये अपने गधे पर बैठ के जाने लगा जनाबे मूसा से लड़ने के लिए, तो गधा गधा था मगर इतना समझदार हो गया कि उसने कहा मैं मासूम के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। काश गधे की यह बात जमल की ऊंटनी के समय, इतना मारा बलम बाऊर ने, इतना मारा कि वो मर गया। और जनाबे यूसुफ के भाइयों ने कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया,
जो जंगल में भेड़िया रहता है, तो जनाब याकूब से कहा था कि यूसुफ को हमने मारा नहीं है, वो तो एक भेड़िया खा गया उनको। तो जब भेड़िए ने अपने ऊपर इल्ज़ाम देखा तो दरिंदा था, मगर मासूम के कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर गवारा नहीं किया। ये सब कुरान की तफसीरों में है। तो वह जनाब याकूब के पास आया और बेज़बान था, अल्लाह ने ज़बान दी, उसने कहा कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है, इसलिए कि हम दरिंदे हैं, मगर दरिंदों पर मासूमों का खून हराम है। तो असहाब कहफ के कुत्ते के बारे में तो आप जानते ही हैं कि असहाब कहफ के पीछे पीछे गार में आया। इमाम ने फरमाया कि असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, बलम बाउर का गधा जन्नत में जाएगा। जनाब यूसुफ की तरफ से गवाही देने वाला, याकूब के पास आके बोलने वाला भेड़िया जन्नत में जाएगा। हालांकि जन्नत जानवरों के लिए है नहीं, बस आखिरी जुमला बात करो, मगर ये जानवर जन्नत में जाएंगे। अब दुनिया फैसला करे कि जिनके लिए जन्नत है ही नहीं वो जन्नत में जाएंगे क्यों, का मासूमों से मोहब्बत की बुनियाद पर। जिनके लिए जन्नत है ही नहीं वो मासूमों की मोहब्बत की वजह से जन्नत जाएंगे, तो जिनसे मासूमों ने जन्नत का वादा किया हो सलावत पढ़े मोहम्मद। जिनसे मासूमों ने जन्नत का वादा किया, अजीज़ों इसका इंकार करना कि अहले बैत बख्शवाएंगे ये सबब अजाब है, लेकिन अहले बैत कश्ती नजात हैं, अहले बैत कश्ती नजात हैं। नबी की हदीस है और उलमा अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह के जैसे, जो इनको छोड़ देगा वह गर्क हो जाएगा, जो इनसे मुतमस्सिक हो जाएगा वो नजात पा जाएगा। ये कश्ती नजात है, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग हैं और हुसैन कश्ती नजात हैं। अजीज़ो इनकार आयत का मतलब है कि जैसे कश्ती नू आयत है उसके इनकार का मतलब है कि उसके हिफाजत का ज़रिया होने का इनकार किया जाए। अहले बैत के इनकार का मतलब ये है कि शफात का ज़रिया मानने से इनकार किया जाए, ये इनकार अहले बैत है, इसलिए कि शफात का वादा उन्होंने किया है। मैंने अर्ज़ किया कि जानवरों के लिए जन्नत है ही नहीं, मगर मासूमों की मोहब्बत उनको भी जन्नत में ले जाएगी। जिनके लिए जन्नत है ही नहीं, तो जिनसे मासूमों ने वादा किया हो कि मन बका गलल हुसैन तवब का व तबाह का वजह बतलाउल जन्ना, कि जो रो या रुलाए या हमारे जद्द मज़लूम पर रोने वाले जैसी सूरत बनाए उस पर जन्नत वाजिब है। इससे वादा किया हो मासूमों ने, हालांकि हम मौला हुसैन पे जो रोते हैं तो वो जन्नत जाने के लिए नहीं रोते, ये जनाब मादर हुसैन जानते हैं। एक अज़ादार भी इसलिए नहीं रोता कि वो रोए जन्नत चले, वो तो इसलिए रोता है कि उसके कान में एक आवाज़ आती कि एक बीबी कह रही थी मेरे लाल पर रो, मेरे लाल पर रो एक कौन। और दूसरे रोना रुलाना हमारे बस में है ही नहीं, ये तो मौला हुसैन मजलूम की मजलूमी है कि उनका नाम ही मरसिया है, उनका नाम ही मरसिया है। मैं ये रवायत बहुत बार पढ़ चुका हूँ कि अक्सर जब हम बाहर जाते हैं और घर वापस आते हैं तो बच्चे जब छोटे होते हैं ख़ास करके तो अपने बाप को देख के दौड़ते हैं कि 10 दिन बाद बाप आया, और बाप जब अपने बच्चे को देखता है तो नाम लेके नहीं पुकारता, 10 दिन बाद बच्चे को देखा कहा आओ मेरे लाल, आओ मेरे नूने नज़र, आओ मेरे लखते जिगर। ये नाम नहीं होते, ये जज्बात होते हैं। कामिलु ज़ियारात में हदीस है कि एक दिन मौला अली अलैहिस्सलाम बैतुश्शरफ़ में दाखिल हुए और नन्हे से सरकार सैयदुश्शुहदा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को देख के दौड़े। अब जो देख के दौड़े तो मौला अली ने ये नहीं कहा कि आओ मेरे हुसैन,
अजब जुमला कहा का, आओ आओ मोमिन की आंखें आंसू, आओ मोमिन की आंखें आंसू, क्या पढ़ा जाए रुलाने के लिए। देखिए मसाइब रुलाने के लिए थोड़ी होते हैं, मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं, मसाइब रुलाने के लिए नहीं होते। रोने के लिए यही बहुत है कि मादर हुसैन मजलिस में तशरीफ लाती है, जनाब सैयदा पुरसा लेने आते। हालांकि ये कानून दुनिया नहीं है, कानून दुनिया ये है कि जिसके घर में मौत हो जाती है लोग उसे पुरसा देने जाते हैं, कोई पुरसा लेने नहीं आता। हाय 1400 बरस से एक बीबी टूटी पसलियाँ पकड़े, एक अजा खाने से दूसरे अजा खाने में, दूसरे अजा खाने से तीसरे अजा खाने में, लाओ मेरे हुसैन का पुरसा। बस अजीजों दिल में खलक तो बहुत था और है कि जिस शान से ये खमसा होता था वैसे तो ना हो पाया। हज़ारों का मजमा वो सबीलें लगी हुई हैं, कहीं कोई मौला के नाम पर शरबत पिला रहा, कहीं कोई मौला के नाम पर खाना खिला। अल्लाह अकबर। भाई हर आदमी अपने अपने हिसाब से, खाली जाकिर जाकिर ही मजलिस की जरूरत नहीं होता है, हर शख्स अपने तई एक फरीज़ा निभाता है। मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, कोई तबरुक तकसीम कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई मोमिनीन के आने जाने के लिए रास्ता बना रहा है। अल्लाह वो तो नहीं है, मगर ए सैयदा ए जनाब बहरा, हमने अपने तई इस खमसे को मुनक़द किया, आप इसे कबूल कीजिए। मैं बाबुल हवाए जमा मूसा काजिम के रोज़े में गया था कि मुख्तसर सी मजलिस वहाँ भी पढ़ दूँ और बारगाह में ताज़ियत और पुरसा पेश कर दूँ। मैंने वहाँ एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि बाबुल हवाइज और ए इमाम तकी जवाद, देखिए हालात की वजह से मोमिनीन तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस साल जहाँ मजलिस हो आप आ जाइए। हर इमाम मजलिस में आते हैं। चौथे इमाम का वाकया तो बड़ा मशहूर है कि एक शख्स ने कहा हजरत मेरी बेटी की शादी है, फरमाया करबला के बाद हम शादियों में नहीं जाते। काका आपके आए बगैर शादी होगी नहीं, अगर चाहता है तुम अपने घर में मेरे जद मेरे बाबा की एक मजलिस करो। वाकया आपके जहन में है। एक वाकया मैंने मौलाना महमूदुल हसन खां साहब अलैहि मकामा से सुना था कि एक शख्स छठे इमाम के पास आया, वो आने के बाद का हज़रत मैंने आपके जद्द मज़लूम की एक मजलिस की है। तो इमाम ने अमामा हाथ पर रखा और कहा पालने वाले उन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाओ जो मेरे जद्द मज़लूम के गम में बुलंद हो। और ये कह के आपने फरमाया कि हम ज़रूर आएंगे। लीजिए मजलिस की तारीख आई, उसने मेंबर सजाया, वो मेंबर के सामने एक गलीचा एक छोटा सा कालीन मेंबर के सामने रख दिया, और जो मोमिनीन आते थे शिया आते थे वो उनसे कहता था कि भाई इस पे न बैठिएगा, इस पे अभी छठे इमाम तशरीफ़ फरमाए। और काफ़ी देर हो गई, सारे मोमिनीन आ गए, साहिब खाना ने हैरत से देखा कि अभी तक इमाम नहीं आए। तो उसने किसी से कहा कि हैरत है अभी इमाम नहीं आए, तो उसने कहा इमाम तो कब के आ चुके, कहाँ बैठे, कहाँ जहाँ उनके दादा ज़ैनुल्लवा बैठा। अब जो देखा तो इमाम वहीं बैठे हैं जहाँ चौथे इमाम बैठते थे। ये शख्स गया, इसने हाथ जोड़े और कहा कहा आप यहाँ कहाँ बैठे हैं, कहा मेरा दादा यहीं बैठता था, तुम्हें क्या मालूम क्या आज़ादारों की क्या अहमियत है। काका अंदर चलिए, कहा नहीं यहीं बैठा रहने दे, काका अच्छा यहीं बैठे हैं, जुमला सुनिएगा, यहीं बैठिए मगर मट्टी पर ना बैठिए, मैंने आपके लिए कालीन लिया है और मेंबर के आगे बिठाया है ताकि आपको सदर मजलिस बनाऊं। मैं अभी जाता हूं, कालीन लेके आता हूं, यहां बिछाता हूं, आपको उस पर बिठाता हूं। इमाम ने कहा खबरदार अब कालीन को हाथ न लगाना, काका उस पर कोई बैठा नहीं है, अरे तुझे नहीं दिखाई देगा उस पर हुसैन के दुखी आमा। अल्लाह आखिरी मजलिस है, हर साल जो मैं पढ़ता था वही पढ़ूंगा। रुखसत इमाम के हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले लजा में तौसन को, सकी न झाड़ रही थी इबा के दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए कर,
ना जरा तक कोई शाह करबलाई को फकत बहन ने किया था सवार भाई को रुख्सत आखिर इमाम दरे खेमा पर आए बीवियों को सलाम किया। भैया सच है कि इमाम ने दरे खेमा पर आके बहनों को सलाम किया, लेकिन पहले बहनों के खेमे में नहीं पहुँचे, लिखा है उन खेमों से पहले असहाब के खेमे थे, पहले अपने असहाब के खेमों में आए, उल्टी हुई मस्तदें देखी, खाली खाली मुसल्ले देखे, कहा मेरे हबीब कहाँ हो, मेरे सईद कहाँ हो, मेरे जुहैर कहाँ हो, मेरे शेरों कहाँ हो। जुमला सुनिएगा, उसके बाद इमाम एक खेमे में आए, बिल्कुल खाली खेमा, उसने इमाम नाम लेके नहीं पुकार रहे किसी का, और रोते रोते जमीन पर बैठ गए और मट्टी को ऐसे थपथपाया जैसे किसी का सीना थपथपा रहे हो, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा ये किसका खेमा है, क्या किसी और का नहीं? अब पासा ने कहा अल्लाह खाली खेमा देखा, दिल में दर्द के नजर चुभे, खेमे के दरवाजे पाए, बहन ने बाजू पकड़ा, बीमार बेटे के पास लाए, शाना हिलाया, कपस एक ये वसीयत रहे याद है मेरे जानी, करना न फरामोश कभी तिश्ता दहानी, 36 पहल गुजरे हैं पाया नहीं पानी, पानी दे अगर बात मेरे जुल्म के बानी, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजियो बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजियो बेटा। एक जुमला आपके खिदमत में पेश करना है, यहाँ ना सही, जो लोग सुन रहे हैं अपने घरों में रोएंगे और जब याद आएगा तो रोएंगे। फिर एक वसीयत की कि सैयद सज्जाद मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। ये 10 मुहर्रम की वसीयत है, इस पे आप खूब अमल कर रहे होंगे, जब पानी पी रहे होंगे अमल कर रहे होंगे, या अब्दुल्लाह हुसैन कह रहे होंगे एक वसीयत इमाम ने 2 मुहर्रम को की थी कि बनी असद के लोगों हमारे लाचों को दफन करो। अल्लाह अकबर, भाई आज समझिएगा, इस बात को समझिएगा, और इस साल ना समझे तो कब समझेंगे, जब ताजिए 10 को दफन कर पाए। अल्लाह अकबर, भाई 2 को वसीयत की, और यह ऐसी वसीयत थी कि मर्दों से कहा तुम दफन कर देना, फिर औरतों से कहा अगर ये ना आए तो तुम दफन कर देना, हाय मेरा मजलूम, छोटे छोटे बच्चों से कहा अगर तुम्हारे माँ बाप ना आए तो एक एक मुट्ठी। इस वसीयत पर हम ये 2 मुहर्रम की वसीयत, बहुत से लोग इस पर अमल न कर पाए, उसके बाद चले बस गुफ्तगू 2 या 3 मिनट में तमाम हो जाएगी। बहन ने भाई को घोड़े पर सवार किया, 4 बरस की बच्ची को आखिरी प्यार किया, कहा नींद आएगी वो आपकी जब पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, आखिरी प्यार करके चले। मीर अनीस ने नक्शा खींचा के चलते से 4 सम्त से भाले हुए, टूटे हुए तो पर्चियों वाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, अरे गिरते थे और संभालने वाला कोई ना था, तीरे सितम निकालने वाला कोई ना था, गिरकर कभी उठे कभी रखा जमीन पर सर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उगला लहू दहन से तो थामा कभी जिगर, हसरत की खयाम की जानिब कभी नजर, अरे गिर कर उठे तो जख्मों से पर्ची के पल गिरे, कुछ और तीर कर गए जन्नत से आई फातिमा जहरा की सदा, उम्मत पे हमको लूट लिया वा मोहम्मदा, अब कौन है जो हक रिफाकत करे अदा, ये गहरे गहरे जख्मी आलम का मुक्तदा, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर, पर्दा उलट के बिनती अली निकली नंगे सर, लर्जा कदम खमीदा कमर, हाल से खून जिगर चिल्लाती थी हाथ तू अपना पीर कर, आए करबला पता तेरा मेहमान है, अम्मा कदम अब उठते नहीं तश्ता काम के,
पहुंचा दो लाश पर मेरे बाजू को थाम के। आवाज किसने दी कि बहन इस तरफ ना आओ, बस अब सफर करीब है, ले लाल घर में जाओ, अब डूबती है आले रसूल खुदा की नाव। अरे या फातिमा या मुर्तजा, गरीबों के बेड़े को तुम बचाओ, अब छोड़ नाना दश्त बला में हुसैन को, अब छोड़ नाना दश्त बला में हुसैन को, या फातिमा छुपा लो रिदा में हुसैन। अब मजलिस तमाम हो गई, हजरत के ऊपर कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेजे मार रहा है, कोई जलती हुई रेत ईमान के जख्मों में डाल रहा है। शिमले मलून खंजर लेके बढ़ा, 12 मरतबा गले पर खंजर मारा, पहली मरतबा इमाम ने कहा वाह उम्मा ए अम्मा, दूसरी मरतबा कहा वाह जद्दा ए नाना, तीसरी मरतबा कहा वाह अबादा या बादा, लेकिन उसके बाद न अम्मा न दादा न नाना न बाबा, एक ही आवाज आ रही थी, खंजर चला।